हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, यहाँ पर सीबीएसई की 12th क्लास की परीक्षा को लेकर बात की जा रही है। फाइनली आपका जो है भाई नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिशियली कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और जिन्होंने न्यूज़ देखी है वो तो जान गए होंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ बोल दी गई है और ऑफिशियली भी ये नोटिस जो है वो अपडेट हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिस, यू कैन सी हेयर। 1 जून 2021, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नोटिफिकेशन है। द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th विच वर पोस्टपोन्ड बाय नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 14/4/2021 आर हेयर बाई कैंसल। 14 अप्रैल 2021 को ही नोटिस डाला गया था, नोटिफिकेशन डाला गया था कि योर एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्डेड, आपके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्डेड होंगे और जल्द ही हम नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे वेन एवर विल बी, ये कब होंगे। लेकिन फाइनली अभी ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक डिजीज़ ऑफ कोविड-19, इट इज़ हैपनिंग एज यू नो, जैसा कि आपको पता है भाई काफ़ी क्रिटिकल है सिचुएशंस। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि अब आपके फाइनली एग्ज़ाम कर दिए गए हैं कैंसिल। बट अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है कैंसिलेशन नोटिस से, तो उनका क्या होगा। और अगर फाइनली रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाएगा तो वो किस बिहाफ पे निकाला जाएगा, तो इतना तो आप अंडरस्टूड हो। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सरकार की तरफ से बोला जाता है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उनके परसेंटेज और ज़्यादा आने चाहिए तो वो अपना अलग से परीक्षा दे सकता है। बट ये तभी होगा जब ये सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, तब आप अलग से पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जिनका रिजल्ट होगा। क्लास 12th असेसमेंट विल बी मेड एज़ पर द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन ए टाइम बाउंड मैनर। जो आपके इंटरनल के मार्क्स होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, उनके बिहाफ पे इवेल्युएट किया जाता है, उनके बिहाफ पे असेसमेंट होता है कि ये कितना ग्रोथ किया होगा बच्चे ने और इसको कितने परसेंटेज आएगी। इट इज़ डिसाइडेड दैट एनी स्टूडेंट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, अगर आप अपनी असेसमेंट से, अगर आप फाइनली अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, एन ऑप्शन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द CBSE वेन एवर द सिचुएशंस बिकम कंडक्टिव। तो क्या होगा कि जब भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आपको CBSE के द्वारा यहाँ पर भाई प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अबाउट द CBSE एग्जाम 12th। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू मेंबर ऑन माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।